માર્ગદર્શિત કરવા. भारत माता की, आप सौ सूरत वासियों ने नवरात्रि की अनेक अनेक शुभकामनाओं. वैसे नवरात्रि के समय मेरे जैसे व्यक्ति को सूरत आना आनंददायक है, अच्छा लगता है. लेकिन नवरात्रि का व्रत चलता हो तब सूरत आने में थोड़ा कठिन लगता है. सूरत आओ और सुरती खाना खाए बिना जाओ. ये मेरा सौभाग्य है कि नवरात्रि के इस पावन अवसर के समय मैं आज और कल गुजरात की धरती पर इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल संस्कृति और आस्था से जुड़े कई बड़े आयोजनों का हिस्सा बनूंगा. गुजरात के गौरव को और बढ़ाने का ये सौभाग्य मिलना, आपके बीच आना और आप सबके आशीर्वाद लेना, आपका ये प्यार, आपका ये उत्साह दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है. गुजरात के लोगों का, सूरत के लोगों का धन्यवाद करने के लिए मेरे शब्द भी कम पड़ रहे हैं, इतना प्यार आपने दिया. सूरत में विकास का लाभ जिस तरह हर घर तक पहुंच रहा है, वो जब मैं देखता हूं, सुनता हूं, तो मेरी खुशी अनेक गुना बढ़ जाती है. इसी क्रम में आज सूरत के विकास से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास किया गया है. इनमें से अधिकतर प्रोजेक्ट सामान्य सूरतवासियों को, मध्यम वर्ग को, व्यापारी वर्ग को ये अनेक प्रकार की सुविधाएं और लाभ पहुंचाने वाले हैं. मुझे बताया गया कि अमृत सरोवर, 75 अमृत सरोवर सूरत में, उसका काम बहुत तेजी से चल रहा है. इसके लिए भी जिले के सभी साथी, शासन प्रशासन हर कोई और मेरे सूरतवासी भी बधाई के पात्र हैं. साथियों, सूरत शहर लोगों की एकजुटता और जन भागीदारी दोनों का बहुत ही शानदार उदाहरण है. हिंदुस्तान का कोई प्रदेश ऐसा नहीं होगा जिसके लोग
सूरत की धरती पे न रहते हो, एक प्रकार से मिनी हिंदुस्तान, सूरत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये शहर सूरत, इस बात के लिए मैं हमेशा उसका गर्व करता हूं, ये शहर श्रम का सम्मान करने वाला शहर है। यहां टैलेंट की कद्र होती है, प्रगति की आकांक्षाएं पूरी होती है, आगे बढ़ने के सपने साकार होते हैं, और सबसे बड़ी बात जो विकास की दौड़ में पीछे छूट जाता है, ये शहर उसे ज्यादा मौका देता है, उसका हाथ थामकर आगे ले जाने का प्रयास करता है। सूरत की यही स्पिरिट आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, इस सदी के शुरुआती दशकों में जब दुनिया में 3P यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की चर्चा होती थी, तब मैं कहता था कि सूरत 4P का उदाहरण है। 4P यानी पीपल्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यही मॉडल सूरत को विशेष बनाता है। सूरत के लोग वो दौर कभी भूल नहीं सकते जब महामारियों को लेकर, बाढ़ की परेशानियों को लेकर यहां अपप्रचार को हवा दी जाती थी। उस कालखंड में यहां के व्यापारी और व्यापारी समाज के अनेक लोगों से मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था कि अगर सूरत शहर की ब्रांडिंग हो गई तो हर सेक्टर, हर कंपनी की ब्रांडिंग अपने आप हो जाएगी। और आज देखिए, सूरत के आप सभी लोगों ने ऐसा करके दिखा दिया है। मुझे खुशी है कि आज दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होते शहर में सूरत का नाम है, और इसका लाभ यहां हर व्यापार कारोबार को हो रहा है। भाइयों और बहनों, पिछले 20 वर्षों में सूरत ने देश के बाकी शहरों की अपेक्षा बहुत अधिक प्रगति की है, तेजी से प्रगति की है। आज हम अक्सर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में सूरत का गर्व से जिक्र करते हैं, लेकिन ये सूरत के लोगों की निरंतर मेहनत का परिणाम है। सैकड़ों किलोमीटर से अधिक के नए ड्रेनेज नेटवर्क ने सूरत को एक नया जीवनदान दिया है। 2 दशकों में इस शहर में जो सीवरेज ट्रीटमेंट की कैपेसिटी बनी है, उससे भी शहर को साफ सुथरा रखने में मदद मिली है। आज भाकर और बामरोली में नई कैपेसिटी जुड़ गई है। यहां जिन साथियों को काम करते हुए 20 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, वो इस बदलाव के बहुत बड़े साक्षी हैं। बीते वर्षों में सूरत में झुग्गियों की संख्या में भी काफी कमी आई है। इन 2 दशकों में यहां गरीबों के लिए
झुग्गियों में रहने वालों के लिए करीब करीब 80,000 घर बनाए गए हैं। सूरत शहर के लाखों लोगों के जीवन स्तर में इससे सुधार आया है। साथियों, डबल इंजन की सरकार बनने के बाद और घर बनाने में भी तेजी आई है और सूरत के गरीबों मिडिल क्लास को दूसरी अनेक सुविधाएं भी मिलने लगी है। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश में अभी तक लगभग 4 करोड़ गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज मिल चुका है। इसमें 32 लाख से अधिक मरीज गुजरात के और लगभग 1.25 लाख मरीज ये मेरे सूरत के हैं। वहीं पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी ठेले पर काम करने वाले देश के लगभग 35 लाख साथियों को अभी तक बैंकों से बिना गारंटी का सस्ता ऋण मिल चुका है। अभी शायद आपने दुनिया में बहुत जाने माने दानवीर बिल गेट्स का एक आर्टिकल पढ़ा होगा, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, एक लेख लिखा है, उसमें इन साथ उन चीजों का उल्लेख किया है उन्होंने। साथियों, इसमें गुजरात के 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को और सूरत के करीब 40,000 साथियों को इसकी मदद मिली है। साथियों, सूरत शहर के पश्चिमी हिस्से रांदेर, अड़ायण, पाल, हजीरा, पालनपुर, जहांगीरपुरा और दूसरे क्षेत्रों में आज जितनी चहल पहल दिखती है वो 20 साल के अखंड एकनिष्ठ परिश्रम का परिणाम है। शहर के अलग अलग हिस्सों में तापी पर आज दर्जन भर से ज्यादा पुल है जो शहर को भी जोड़ रहे हैं और सूरतवासियों को समृद्धि से भी जोड़ रहे हैं। इस तरह की इंटरसिटी कनेक्टिविटी बहुत कम देखने को मिलती है। सूरत सही मायने में सेतुओं का शहर है जो मानवीयता, राष्ट्रीयता और समृद्धि की खाइयों को पाट करके जोड़ने का काम करता है। भाइयों और बहनों, आज जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है वे सभी सूरत की इस भी पहचान को सशक्त करने वाले हैं। सूरत के कपड़ा और हीरा कारोबार से देश भर के अनेक परिवारों का जीवन चलता है। ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट जब पूरा हो जाएगा तो सूरत विश्व के सबसे सुरक्षित और सुविधाजनक डायमंड ट्रेडिंग हब के रूप में विकसित होने वाला है। वो दिन दूर नहीं जब सूरत दुनिया भर के डायमंड कारोबारियों कंपनियों के लिए एक आधुनिक ऑफिस स्पेस के रूप में पहचाना जाएगा। इतना ही नहीं, कुछ महीने पहले ही केंद्र सरकार ने सूरत पावरलूम मेगा क्लस्टर, ये बहुत बड़ा निर्णय है भारत सरकार का, पावरलूम मेगा क्लस्टर उसकी स्वीकृति दे दी है। और इससे सायन हो, ओलपाड़ हो, इन क्षेत्रों में
पावर लूम वालों को जो समस्याएं आती थी वो समस्याएं कम होगी। यही नहीं, इससे प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान होगा। साथियों, सुरती लोगों की खासियत है, सुरती लाला इन्हें मौज कराया वगैरह न चाले। अने भारतीय आवनारो मानस पण जोत जोतामां सुरती लालाना रगे रगे आई जाए। अने हूँ तो कांची नो एमपी छू एटले लोको रोज मने संभळावे सूरत नु जबर कांची नु मरण। अने सांज पड़ी नथी के तापती नदी ने आसपास इलाकों में घूमकर ठंडी हवा का लुप्त उठाना और कुछ खा पी करके ही घर लौटना। इसलिए ताप्ती के किनारों सहित सूरत को और आधुनिक बनाने के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भूपेंद्र भाई और सीआर पाटिल और कॉरपोरेशन से जुड़े लोग, यहां के विधायक, इन सबको मैं बधाई देता हूं आपके इन प्रयासों के लिए। बायोडायवर्सिटी पार्क प्रोजेक्ट के बनने से सूरत वासियों की टहलने की इस आदत को और सुविधा मिलेगी, उठने बैठने सीखने के लिए नए स्थान मिलेंगे। भाइयों और बहनों, एयरपोर्ट से शहर को जोड़ने वाली सड़क जो बनी है वो सूरत की संस्कृति, समृद्धि और आधुनिकता को दर्शाती है। लेकिन यहां अनेक साथी ऐसे हैं जिन्होंने एयरपोर्ट के लिए भी हमारे लंबे संघर्ष को देखा है, उसका हिस्सा भी रहे हैं। तब जो दिल्ली में सरकार थी हम उनको बताते बताते थक गए कि सूरत को एयरपोर्ट की जरूरत क्यों है, इस शहर का सामर्थ्य क्या है। आज देखिए कितनी ही फ्लाइट यहां से चलती है, कितने ही लोग हर रोज यहां एयरपोर्ट पर उतरते हैं। आपको याद होगा यही स्थिति मेट्रो को लेकर के भी थी, लेकिन आज जब डबल इंजन की सरकार है तो स्वीकृति भी तेज गति से मिलती है और काम भी उतनी ही तेजी से होता है। भाई और बहनों, व्यापार कारोबार में लॉजिस्टिक का कितना महत्व होता है ये सूरत वाले अच्छे से जानते हैं। नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी से सूरत को बहुत लाभ होने वाला है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए भी सूरत में एक बड़ी योजना पर काम शुरू हो चुका है। गोगा हजीरा रोपेक्स फेरी सर्विस ने सौराष्ट्र के कृषि हब को सूरत के बिजनेस हब से जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गोगा और हजीरा के बीच रोरो फेरी सर्विस की वजह से लोगों का समय भी बच रहा है और पैसा भी बच रहा है। सड़क के रास्ते गोगा और हजीरा के बीच की दूरी करीब करीब 400 किलोमीटर के आसपास होती है, जबकि समंदर के रास्ते यही दूरी कुछ ही किलोमीटर हो जाती है। अब ये इससे बड़ी सुविधा क्या हो सकती है। इससे वजह से जहां पहला गोगा से हजीरा आने जाने में 10-12 घंटे लगते थे, वहीं अब ये सफर 3.5-4 घंटे के अंदर अंदर हो जाती है। हम फेरी की वजह से भावनगर, अमरेली और सौराष्ट्र के दूसरे हिस्सों से सूरत आए लोगों को बहुत लाभ होगा।
अब परमानेंट टर्मिनल तैयार होने के कारण आने वाले दिनों में और ज्यादा रूट खुलने की संभावना बढ़ी है। इससे यहां के उद्योगों को, किसानों को पहले से ज्यादा लाभ होगा। साथियों, हमारी सरकार सूरत के व्यापारियों, कारोबारियों की हर आवश्यकता को देखते हुए काम कर रही है, नए नए इनोवेशन कर रही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप जानते हैं कि सूरत के टेक्सटाइल का एक बड़ा बाजार काशी और पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है। यहां से बड़ी संख्या में ट्रकों के जरिए सामान पूर्वी यूपी भेजा जाता रहा है। अब रेलवे और पोस्टल डिपार्टमेंट ने मिलकर एक नया समाधान भी खोजा है, एक नया इनोवेशन किया है। रेलवे ने अपने कोच की डिजाइन को इस तरह से बदला है कि उसमें आसानी से कार्गो फिट हो जाता है। इसके लिए खास तौर पर 1 टन के कंटेनर भी बनाए गए हैं। ये कंटेनर आसानी से चढ़ाए और उतारे जा सकते हैं। शुरुआती सफलता के बाद अब सूरत से कांची के लिए पूरी एक नई ट्रेन ही चलाने की कोशिश हो रही है। ये ट्रेन सूरत से माल सामान ढोकर के कांची तक जाया करेगी। इसका बहुत बड़ा लाभ सूरत के व्यापारियों को होगा, यहां के कारोबारियों को होगा, यहां के मेरे श्रमिक भाइयों बहनों को होगा। बहुत जल्द सूरत बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल, बिजली से चलने वाली गाड़ियों के लिए भी ये सूरत पहचाना जाएगा। सूरत की नित्य नई नई पहचान बनती है। कभी सिल्क सिटी, कभी डायमंड सिटी, कभी सेतु सिटी, और अब इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला सिटी के रूप में जाना जाएगा। केंद्र सरकार आज पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने के लिए सरकारों को मदद दे रही है। सूरत इस मामले में भी देश के बाकी शहरों की तुलना में बहुत तेजी से काम कर रहा है, और इसमें सूरत को बधाई देता हूं इस काम के लिए। आज सूरत शहर में 25 चार्जिंग स्टेशन का लोकार्पण और इतने ही स्टेशनों का शिलान्यास हुआ है। आने वाले कुछ समय में सूरत में 500 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की तरफ ये बहुत बड़ा कदम है। साथियों, बीते 2 दशकों से विकास के जिस पथ पर सूरत चल पड़ा है, वो आने वाले सालों में और तेज होने वाला है। यही विकास आज डबल इंजन सरकार पर विश्वास के रूप में झलकता है। जब विश्वास बढ़ता है तो प्रयास बढ़ता है, और सबका प्रयास से राष्ट्र के विकास की गति तेज होती है। इस गति को हम बनाए रखेंगे, इसी आशा के साथ सूरतवासियों नो जेटलो आभार मानो एटलो ओछो। सूरते उदाहरण रूप प्रगति करी छे। दोस्त, हिंदुस्तान में सूरत ना समकक्ष अनेक शहरों छे। सूरते बधाने पाछड़ पाड़ी दीधा छे, અને આ શક્તિ ગુજરાતમાં છે। દોસ્તો, આ ગુજરાતની શક્તિને ઊંડી આંચ ના આવે, ગુજરાતની વિકાસ યાત્રાને કોઈ ઉણપ ના રહે, એના માટે
કોટિ કોટિ ગુજરાતીઓ પ્રતિબદ્ધ છે, સંકલ્પબદ્ધ છે, એ જ વિશ્વાસ સાથે ફરી એકવાર આપ સૌને ખૂબ ખૂબ આભાર. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. ધન્યવાદ.